हम खुदा रा गवर्नर साहब को हाथ जोड़ के अपील करते हैं, या तो इस कॉरपोरेशन को डिसॉल्व किया जाए, वरना जो कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व है, जो इस इलेक्टेड बॉडी और इस जमहूरियत का नाम बदनाम करने में तुले, उनको जेल भेजा जाए। ये श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट है जिसमें कोई पार्टी नहीं है, एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया है श्रीनगर जो कॉरपोरेटर्स है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। क्योंकि अगर देखें 3 साल का अरसा हो चुका है, बहुत सारी मुश्किलात है कि हमें तारीफ़ करनी चाहिए। एक उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की एक रिपोर्ट दी थी, 277 कंस्ट्रक्शंस। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं श्रीनगर पुलिस को, लेकिन एक सवाल रहेगा, बिल्कुल 377 कंस्ट्रक्शंस नहीं है, हमारे पास फाइल पड़ी है, ये फाइल है, इसमें 377 ही, वी हैव कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ अ स्कैम एक्चुअली, इन थाउजेंड्स वी हैव। इसमें एक FIR होना चाहिए, कल्प्रिट शुड बी बुक्ड, बिकॉज इससे सब पे उंगली आती है। बिल्कुल हम नहीं बोलते कि नहीं है, है बिल्कुल है, शहर को बर्बाद किया गया। आप कोर्ट रोड जाइए, आप बाकी शहर के आउटस्कर्ट्स में जाइए, आप होकर सर सॉरी खुशहाल सर जाइए, सिटी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एक्चुअली। हम अपील करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ताउन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी एक्शन नाउ, इट्स टाइम फॉर एक्शन। वी हाईली अप्रिशिएट, दिस इज़ नया कश्मीर वेयर योर पुलिस सपोर्ट्स द रियलिटी विदाउट एनी इंटरेस्ट। We support it and we give our full cooperation to Srinagar police for this. But हमारी गुजारिश रहेगी DGP साहब से, इस पर FIRs होने चाहिए, वो लोग जो मुलवस है उनको अरेस्ट करना चाहिए आपको, बिकॉज हम लोग इलेक्शन उठे हैं, हम जवाब दे हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन को। और रहा सवाल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, आप लोग खुद वाकिफ है कौन सी हालात हो चुके हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। बहुत बुलंद बांध दावे होते हैं जनाब, मेरा क्वेश्चन रहेगा हमारे कमिश्नर साहब से, क्या किया उन्होंने अपने टेन्योर में? ये जो स्मार्ट सिटी का बुलंद बांध दावा करते हैं, स्मार्ट सिटी में ब्यूटिफिकेशन इज द 11th ओवर, दैट्स द लास्ट जॉब। आपने रिसेंटली हमारे खून के, जो लोगों के खून के पैसे है, आपने रोड्स पेंट किए, कहाँ है वो पेंटिंग आजकल? मुझे समझ नहीं आता आपको ये कंसल्ट कौन करता है। हमारे लोग सफर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वी हैव रिसीव्ड अ फंड्स अबाउट देन 100 करोड़। बट उस फंड की, अगर आपको यही दिमाग में था, उस फंड को लैप्स करेंगे, आप हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। मैं अपील करता हूं गवर्नर इंतजामिया से, ये हम 4 कॉरपोरेटर्स नहीं है, देर इज मेजॉरिटी ऑफ कॉरपोरेटर्स, क्योंकि कोविड का भी टाइम है तो वी थॉट की कमी आए यहाँ पे। श्रीनगर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, अगर हम चुन के आए, हमारे लोगों को हमसे तवक्का थे, लेकिन हम मजबूर क्यों हो रहे हैं हाथ खड़ा करने पे? ये कुछ लोगों ने जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हाईजैक किया है, हमारे लोगों को तंग करने और श्रीनगर को बर्बाद करने की ठान ली है, ये अब चलेगा नहीं, दिस एरा हैज़ टू एंड। बिकॉज मेरी अपील रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, आपको चाहिए, अगर आपके श्रीनगर सिटी में अगर एक इलेक्टेड बॉडी है, आपको कॉरपोरेटर से मिलना चाहिए, आपको एक आउटकम, जो 3 साल जो टेन्योर हो चुका है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आपको उनसे फीडबैक्स लेने चाहिए। बिकॉज मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, देर इज नो विजिबल डेवलपमेंट इन श्रीनगर सिटी, इससे ज़्यादा काम होता था जब कॉरपोरेशन नहीं थी, बिल्कुल होता था। अब हम बोलेंगे पैसे नहीं है, मैं ये हिस्ट्री आयान है, दिस इज द फर्स्ट ईयर वी हैव रिसीव्ड अ ह्यूज अबाउट देन 100 करोड़ रुपीज फंड्स, बट वो कहाँ गए? उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है अभी तक, दे हैव प्लानड टू लैप सच मनी। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन का स्कैंडल चल रहा है, पैसा बिल्कुल हम इस चीज से आईन है और इस चीज को एग्री करते हैं, बट देयर इज नॉट ओनली 277 कंस्ट्रक्शन, नंबर इज अबाउट देन दैट, but those culprits should be booked. What you are speaking right now, you are the part see of see of see see firdaus saab, aap bolenge right now, aap log khud is baat se waqif hai, humne time to time bola hai, but aapko corporation ke police came with the press note of illegal constructions, then you are speaking no see we have wrote ek hamesha media ke samne nahi hota hai, media is the 11th over job, you are looking at a very mute spectator.
When police no. Escort, you are see. Jinaab, मैं आपको Yes, बिल्कुल. Why not before? जनाब, हमारे पास श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनरल काउंसिल लगती है. मैंने वहाँ पे बोला है, हमारे कॉरपोरेटर्स ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोला है. हमें वहाँ पे एश्योर किया गया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई होगी और एक बॉडी भी तश्कील की गई थी जिसके सदारत में मेयर साहब सदारत करते थे. रहा सवाल हमारा डिप्टी मेयर साहब, उन्होंने लेटर लिखी है. मुझे नहीं लगता कोई कॉरपोरेटर होगा जिसने लेटर नहीं लिखी है. हर एक ने लिखी है. बट एक्शन नहीं होता है बिकॉज सी एक्शन कहाँ नहीं होता है, वेयर पीपल आर इन्वॉल्व. हम क्यों फिर यहाँ पे आते, हम इसलिए मीडिया इज 11th आवर क्योंकि हमारे पास हमें आना नहीं चाहिए था बिकॉज वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. वी हैव वन द इलेक्शंस, वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सिस्टम. अभी तक कितनी शिकायतें जो कॉर्पोरेटर्स है, अभी तक कितनी शिकायतें दो वर्षों में इनकी तरफ से मौसूम है, आपको टोटल नंबर पता है? किनकी तरफ से There are hundreds of complaints, hundreds of, you can verify it. कोई आप में से कोई RTI भी कर सकता है, कमिश्नर ऑफिस को, हमारे चीफ एनफोर्समेंट ऑफिस को. Very few. You see, you go to court road, see the construction. February में construction बनी, आपके मीडिया के लोगों ने स्लैब समेत उसको कलेप्स किया गया कोर्ट रोड के बाहर. आज देखो उस वहाँ पे कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है. You see how city has been destroyed. मैं दोबारा अपील करता हूँ हुकूमत हिंद से, अगर आपको सिटी डिस्ट्रॉयड करनी है फिर हम इस we are not going to be part and parcel of this system. आप आउटकम्स देखिए ना, श्रीनगर में आपके शहर में नए कमिश्नर आ चुके. एक अच्छा प्रोजेक्ट बोलो, एक वायबल प्रोजेक्ट मुझे बोलो ना जो विजिबल है. कौन, आई एम टेलिंग यू, म्यूजिकल प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. दैट इज नॉट स्मार्ट सिटी. पहले शहर में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करो, नहीं हो रहा है. और रहा सवाल नाम, हमारे जो ऊपर वाले वो आपको सबको पता है कि उन्होंने सिटी को बर्बाद किया. हम यार आपको पता है, हमें नहीं पता. आप बताइए, एक का नाम बताया, एसएमसी कमिश्नर एमएम दब, तो थोड़ा बिल्कुल हमारे ऊपर वाले लोग जिनको कॉर्पोरेटर के ऊपर हाथ रखना था, एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर करना था, फाइनेंस प्लानिंग कमेटी को चेयर करना था, नहीं किए. हम खुदारा गवर्नर साहब को हाथ जोड़ के अपील करते हैं, या तो इस कॉरपोरेशन को डिसॉल्व किया जाए, वरना जो कल्प्रिट्स इसमें इन्वॉल्व है, जो इस इलेक्टेड बॉडी और इस जमहूरियत का नाम बदनाम करने में तुले, उनको जेल भेजा जाए.